बोकारो जिला झारखंड विकास मोर्चा द्वारा किया गया क्रांति मार्च का आयोजन। बोकारो जिला के सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा उत्तरी क्षेत्र को पंचायत में नहीं शामिल करने तथा वर्तमान सरकार की विस्थापित विरोधी नीति के खिलाफ क्रांति मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय सदस्य डॉक्टर प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर JVM के सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी उपस्थित थे। विस्थापितों की समस्या को लेकर, वहाँ के बेरोजगारों बेरोजगार नौजवानों को लेकर, विस्थापित को पंचायत का दर्जा दिलाने को लेकर झारखंड विकास मोर्चा के द्वारा क्रांति मार्च निकाला गया है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के लिए 1942 में अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई। आज आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी बड़े बड़े नेता आए 2014 में और उन्होंने आश्वासन दिया कि विस्थापितों को नौकरी मिलेगा, विस्थापितों को पंचायत का दर्जा मिलेगा। और यह काम 2014 में उन्होंने जो घोषणा किया था कि 2 महीने बाद होगा, परंतु सरकार के 4 साल से अधिक पूरे हो गए हैं, ना यहाँ के विधायक को मतलब है, ना यहाँ के सांसद को मतलब है और ना केंद्र में बैठे मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को मतलब है। ऐसे स्थिति में विस्थापित के नौजवान रोड पर भटक रहे हैं, वहाँ के जो वृद्धा लोग हैं वो पेंशन के लिए दर दर DC ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे स्थिति में झारखंड विकास मोर्चा दूसरी आज़ादी की लड़ाई, इस अगस्त क्रांति के अवसर पर दूसरी आज़ादी की लड़ाई का आह्वान करती है और सरकार अगर बहुत जल्दी नहीं सुनेगी तो हम लोग एक नए क्रांति का शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में जो भी विस्थापित के लोग हैं, सत्ताधर रूलिंग पार्टी को धूल चटाने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। डॉक्टर साहब, इसके पहले JVM की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं पंचायत का दर्जा मिला? आपने सही कहा, आप देखे होंगे कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी 2 वर्ष 28 महीना के कार्यकाल में थे, भाजपा शासित राज्य था। उन्होंने झारखंड में जो सड़कें खराब थी, जो पुल पुलिया से लोग वंचित थे, उस समय नया नया झारखंड बना था, झारखंड का बजट मात्र 2200 करोड़ रुपया था, तो कम संसाधन में नए राज्य के बनने के बाद जो मैक्सिमम चीज हो सकता था बाबूलाल मरांडी ने किया। आप देखेंगे कि विस्थापित एरिया में जो बहुत बड़ा पुल बना हुआ है वो बाबूलाल मरांडी जी ने बनवाया, तो कम समय में कम संसाधन में जितना झारखंड का विकास हो सकता था। हमारे यहाँ 12 शिक्षकों की बहाली की गई। आप देखेंगे कि निरंतर विकास की धारा में बाबूलाल मरांडी इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अफसोस है कि BJP की खराब नीतियों के कारण बागडोर उनके हाथ से छीन लिया जाता है। रामगढ़ में पहली बार AC मैरिज हॉल, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल, सबकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975, 9386403891। न्यूज़लेंस में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है